মৃত্যুদণ্ডা দেশ দিয়েছে পু ভারতক সামরিক কোর্ট রায়ের কপি দেখায়নি তেণু তুরন্ত মুক্ত করে ভারতক হস্তন্তর করা হরি সাালভে ইক্টরন্যাসনাল কোর্ট অফ জষ্টিস নিকটে দাবি করে সেপটে কুভূষণ কনস্যার আকেস অযোগ্য এবং মামলা আইসিজে শুনাশি পরিসরক আসা কামলা রফা দফা করা দাবি করে পাকিস্তান ওকে খাওয়ার কুশি গতবর্ষ মার্চ মাছ পাকিান কুভূষণ গির রজে অভিযোগে পাকিান

सबूत कुछ उस ट्रायल का नहीं दिया गया तो ये सारे मामले ऐसे हैं जो गंभीर मामले और हम आशा करते हैं कि जो निर्णय आएगा जो जजमेंट आएगा वो भारत के पक्ष में हो ऐसा हम आशा और उम्मीद रखते हैं आज भी पुर, हमें पूर्णता विश्वास है कि आज जो हमारे ही पक्ष में फैसला आएगा और आज ऐतिहासिक जीत होगी आज एक सत्य की जीत होगी हमें पूर्णता विश्वास है और जो उन्होंने षड्यंत्र की बात है तो वह तो उन्होंने उस दिन रचने की कोशिश की जिसमें वे नाकाम रहे हमारे भारत की तरफ से जो दलील पेश की गई साड़वे जी ने उसमें उन्होंने कई रेफरेंसी जजमेंट दिखाए कि जिसके आधार पर मुझे पूरी उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को पूरा अधिकार है और इसका फैसला हमारे पक्ष में आगा हमें काफी उम्मीदें हैं आज सुबह सुबह हमने प्रार्थना की भगवान के हम काफी दोस्त लोग मिले थे हमने प्रार्थना की भगवान से कि ये जो वर्डिक्ट है, हमारे फेवर में ही आए कुलभूषण जी के फेवर में आए सारा भारत बहुत ही उम्मीद लेकर बैठा है जहां तक सालवी जी ने अपने पक्ष को बहुत ही उत्तम तरीके से आईसीजी में रखा है उस हिसाब से हमें लगता है हमें लगता है सभी हमें हमारे जैसे यूथ के और दुनिया में रहने वाले सभी भारतवासियों को उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में आएगा सच्चाई की जीत होगी और ये पाकिस्तान के लिए करारा जवाब होगा कि उनका हकीकत क्या है एक बेगुनाह को एक निर्दोष को उन्होंने पाकिस्तान में ले जाके बंद करके रखा हुआ है हमारे जैसे यूथ के आइडियल है वो और पूरे भारतवासी के आइडियल है और हम लड़ेंगे हर भारतवासी हर दुनिया का हर भारतवासी उतरेगा लड़ाई लड़ेगा और हम उनको वापस लेके